नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल इंद्रनील राय IR में। दोस्त, हम बात करेंगे आपसे के फेवरेट शो ये जादू जिन के बारे में। वैसे अगर मैं बात करूँ, ये जादू जिन जो टेलीविजन के अभी सबसे फेमस शो है, लेकिन 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 मैं अभी बात करूँगा एक पॉइंट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या है? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, भाई क्या अब इस शो में, ये जादू जिन में, क्या अमन जुनैद खान और रोशनी का फिर से शादी होगा? देखो, शादी की बात मैं अभी नहीं करूँ तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह शो चल रहा है उस पर फोकस किया गया है। और जहाँ तक अभी आप शो देख रहे होंगे, अमन रोशनी वर्सेस रेहान था ना, अब क्या हो गया? आप अगर आज की एपिसोड देखने वाले हो जहाँ पे अमन वर्सेस रोशनी हो जाएगा, आप सोचेंगे ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या होता है, अमन आज के एपिसोड में एक पॉइंट सबसे बड़ी फोकस दिखाया जाएगा कि अमन रेहान को मारने के लिए क्या करता है, अपना तलवार निकालता है जो जिन्नात के बादशाह के पास होता है, जो अमन के पास होता है, जो अपना तलवार चलाता है, बीच पे आ जाती है रोशनी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, मुझे एक बात बताओ, इस शो में जहाँ पे रेहान को सबसे ज़्यादा, सबसे खराब हीरो, मतलब सबसे खराब विलेन कैरेक्टर्स को दिया गया है, कैरेक्टर की बात करो, जो रेहान अपने ही बुआ को, अपने ही पापा को, अपनी ही माँ को, अपनी ही चाचा को, हर किसी को मारना चाहता है, और उसी का माँ नौटंकी कर रही है, अब सोचेंगे ऐसा क्यों? देखो, एक ध्यान देखना, मतलब रोशनी के, अमन के फैमिली वाला मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रोशनी का जिस तरह सीन दिखाया गया है, बस रोशनी चाहेगा रेहान बच जाए, विलेन बच जाए और हीरो है जो फैमिली मर जाए, इस तरह का सीन दिखाया गया। मेरे बहुत सारे व्यूज बोलेंगे, भाई तुम रोशनी के पीछे क्यों पड़ गए? मैं पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, कैरेक्टर्स के पीछे पड़ रहा हूँ, जिस तरह शो दिखाया जा रहा आप उसके ऊपर चलो ना यार। वैसे भी रेहान को मारना मुश्किल है तलवार से, फिर बीच में जो आई है, इसको मेकर्स क्या प्लान करके लाए मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह चल रहा है ना, शायद ये मेरे, मुझे मुझे बुरा लगा यार, क्योंकि हम अमन रोशनी को एक साथ देखना चाहते हैं, इस तरह चलेगा ना तो हर किसी को खराब ही लगेगा। आपको क्या लगता है, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कॉर्नर से कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।